कल की क्लास में कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की कितनी अवस्था होती है और उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो बेसिकली परिवर्तन दो प्रकार के बताए थे, पहला बताया गया था भौतिक परिवर्तन और दूसरा बताया गया था रासायनिक परिवर्तन। और वीडियो के अंत में मैंने एक प्रश्न दिया था कि भोजन का पकना, तो जो भोजन का पकना है इस पर हमने कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि भोजन का पकना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं कि जो भोजन का पकना है यह आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, ये आपका केमिकल चेंजिंग होगा। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था कि केमिकल चेंजिंग ही होगा, ठीक है। अब आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे की तरफ चलेंगे और इसमें आगे हम ये बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इससे पहले भाषा क्या है, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया का जो डिफिनेशन होगा, इसकी जो परिभाषा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऐसे परिवर्तन या ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान क्या होता हो, पदार्थ में परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता हो? पदार्थ में परिवर्तन होता हो और पदार्थ में परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का क्या हो, निर्माण हो। मतलब सपोज कीजिए कि ये किसी भी प्रकार का क्या है, ये पदार्थ है, ठीक है। क्या है? ये पदार्थ है। इस पदार्थ में कुछ ऐसी क्रिया हो, कुछ ऐसा परिवर्तन हो कि यह पदार्थ सीधे चेंज होकर के क्या बनाता हो, एक नए पदार्थ का क्या कर लेता हो, निर्माण कर लेता हो, ठीक है। क्या किया हो? नए पदार्थ का निर्माण किया हो। और ये जो नया पदार्थ है, इस नए पदार्थ की जो गुण है, इस नए पदार्थ की गुण इस पुराने पदार्थ के गुण से क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। नहीं समझे? फिर से समझिए, मैंने क्या बताया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान पदार्थ में क्या होता हो, परिवर्तन हो, तो यह एक प्रकार की पदार्थ है और इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होने के पश्चात यह एक नए पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और जब यह एक नए पदार्थ का क्या करता हो, निर्माण करता हो, बने नए पदार्थ का जो गुण है, ये जो पदार्थ बना है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इस पदार्थ की अपेक्षा भिन्न होता है। और यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ, दूध, ठीक है, ये दूध है, तो दूध से इसमें, दूध में हमने क्या किया, इसमें चेंजिंग लाया, परिवर्तन लाया, तो परिवर्तन लाने पर क्या बन गया, ये दही बन गया। तो देखिए आप, ये दूध से दही का बनना, अब ये दूध जो था, इस पदार्थ में हमने क्या किया, तो इस पदार्थ में परिवर्तन लाया गया, और इस पदार्थ में जब परिवर्तन हुआ तो इसके पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है, दही। ये आपका नया पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। अभी जो नया पदार्थ है, इस दही का जो गुण है, दूध की अपेक्षा क्या है, एकदम डिफरेंट्स है, ये अलग है। तो यहाँ बने पदार्थ का जो गुण है वह क्या है, अलग है। तो यह कैसी परिवर्तन या यह कैसा अभिक्रिया कहलाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, दूध से दही का बनना यह भी एक प्रकार की क्या है, तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और यह कौन से परिवर्तन में आते हैं, रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। समझ में आ गया कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान पदार्थ में परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो तथा बने पदार्थ का गुण क्या होता हो, भिन्न होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भोजन या बल्कि फलों का पकना, ये जो फल है, फलों का क्या होना, फलों का पकना भी क्या होता है, तो फलों का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया है ये, और भोजन का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से घटक होते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो घटक होते हैं, इसमें देखिए कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया में घटक, रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में घटक। ठीक है, अब देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में घटक है, रासायनिक अभिक्रिया में कितने घटक होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो घटक होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है अभिकारक, क्या होता है अभिकारक होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उत्पाद, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट होता है, और यह क्या होता है, तो यह प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के कितने घटक, घटक का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, पहला अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, एंड प्रोडक्ट किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो यानी ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करे, भाग ले, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये लिखे अगर हम Mg लिखे प्लस क्या लिख दिए O2 इज इक्वल टू कर दूँ तो क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है और यह क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यह दोनों आपस में क्या किए, अभिक्रिया किए, तो अभिक्रिया किए तो ये दोनों आपस में क्या करें, भाग ले रहे हैं, और मैंने बताया कि भाग लेने वाले पदार्थ को ही अभिकारक कहते हैं। एक चीज़ और, अभिकारक को किधर लिखते हैं, तो ये क्या है, तीर है, तो इसको तीर के बाएं तरफ लिखते हैं, किधर लिखते हैं, तीर के बाएं तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं अभिकारक में कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और इसको तीर के किधर, तो इसको तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ मैं लिखा हूँ ना Mg, या दूसरा एग्जांपल ले लूँ मैं कि Zn प्लस क्या हो जाएगा, H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Zn SO4 प्लस H2 हो जाएगा। तो देखिए जो जिंक है, जिंक और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यह दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यह दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो आपस में मिलने वाले या भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इसको तीर के किधर, तो इसके तीर को दाएं तरफ, सॉरी बाएं तरफ लिखते हैं, किधर लिखते हैं, बाएं तरफ। बात किसकी करेंगे, उत्पाद की। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, और इसको किधर लिखते हैं, तो इसको तीर के दाएं तरफ लिखते हैं। देखिए दो पदार्थ आपस में क्या किए, अभिक्रिया किए, तो अभिक्रिया यानी पदार्थ, ये दोनों पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, और ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कह दिए, तो जब ये भाग लेंगे तो इसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ का बनने निर्माण होगा, तो जो नया पदार्थ का निर्माण होगा इसी को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। बेसिकली इसको तीर के किस साइड लिखते हैं, तो इसको तीर के दाहिने तरफ लिखते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की यह दोनों घटक हैं। एक बार पूरे सिस्टम को, इस पूरे टॉपिक को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले देखिए पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ में परिवर्तन कौन कौन से थे, सबकी क्लासेस में, पिछले वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ाया है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान पदार्थ में परिवर्तन हो करके एक नए पदार्थ का क्या होता हो, निर्माण होता हो, और बने पदार्थ का गुण क्या होता हो, भिन्न होता हो, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, जैसे भोजन का पकना, फलों का पकना, दूध से दही का बनना, ये सब के सब रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से घटक होते हैं, ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया दो चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और इसको तीर के किस साइड, इसको तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। उत्पाद की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने
पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, इसको तीर के दाहिने तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा ये क्लासेस में ये जो मैंने लेक्चर बताया आपको सब समझ में आ गया होगा। कल की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन से पहचान होती है और रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज मैं आपके लिए एक प्रश्न फिर से दे रहा हूँ और इस प्रश्नों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, अब देखिए जो बर्फ का पिघलना है क्या यह रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि बर्फ का पिघलना यह रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है।